नमस्कार दोस्तों, आईआरबी ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गौरव, मैं आपको आज एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, रॉयल एनफील्ड के रिंग रिप्लेसमेंट के ऊपर। रॉयल एनफील्ड एक ऐसी बाइक है जो मार्केट में जिस कैटेगरी में आती है, लगभग 350 cc की कैटेगरी की ये बाइक है, और 350 cc कैटेगरी की इस बाइक का रख रखाव बहुत ही सस्ता है अदर्स मार्केट की बाइक्स के मुकाबले में। अगर मैं इसके रख रखाव की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती और चीप और लॉन्ग लास्टिंग बाइक है अदर्स मार्केट्स बाइक्स के मुकाबले में। 2 लाख रुपए की जितनी भी बाइक हैं, 2 लाख, 2 लाख प्लस की बाइक्स, वो काफ़ी महंगा रख रखाव है उन बाइक्स का। वहीं मैं आप बात करने वाला हूँ इसके विशेष टॉपिक के ऊपर, ये 4 रिंग होते हैं, बड़े ही पतले होते हैं, गौर से देखिएगा। 2 ये इसकी नई की पहचान है, येलो स्टिकर लगा होना। और ये लगभग आप 30,000-32,000 किलोमीटर के बाद डलवा सकते हैं। मैं अप्रॉक्स 35,000 किलोमीटर पे सिलेंडर चेंज करा रहा हूँ। मेरी गाड़ी ने कोई खासा धुआं नहीं दिया था, हल्का सा काला कार्बन आ रहा था, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, अप्रोक्स 500 रुपये की कीमत के हैं। रॉयल एनफील्ड रिंग रिप्लेसमेंट, यानी कि इस बाइक के इंजन के जो रिंग हैं वो रिप्लेस क्यों कराने चाहिए। सबसे बड़ी जो चीज़ है, रॉयल एनफील्ड एक ऐसी बाइक है जो एक कनेक्शन पैदा करती है राइडर्स के लिए, और राइडर उससे इमोशनली कनेक्ट रहता है क्योंकि ये दिल का मामला है। और उसी के तहत कंपनी ने भी इस बाइक को ऐसा बनाया है कि इसके पार्ट्स को बहुत ज़्यादा सस्ता और बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग भी रखा है। इसकी जो इंजन की मेंटेनेंस है वो अदर्स बाइक्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। अब मैं इसकी रिंग की बात करूं, अप्रॉक्स जो आप को रिंग रिप्लेसमेंट क्यों कराना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं रिंग्स जो हैं आपकी बाइक के, आप 40,000 से 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद, कुछ गाड़ियों में ऐसा भी होता है 25,000 किलोमीटर के बाद भी वो दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अगर जब हम अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं, हमने अपनी बाइक की सर्विस कराई, उसका सर्विस पीरियड लगभग 5,000 किलोमीटर है। 5,000 किलोमीटर चलने के बाद आपकी जो बाइक है वो इंजन ऑयल उतना ही रहना चाहिए जितना आपने जिस टाइम सर्विस कराई थी, या थोड़ा लो हो, बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लो। अगर आपकी बाइक वाइट स्मॉग दे रही है, ब्लैक स्मोक दे रही है साइलेंसर में, पीछे कार्बन आ रहा है साइलेंसर में, इंजन का जो कांच है वो 2,000 से 3,000 किलोमीटर चलने के बाद कांच लो हो रहा है, कांच में जो उसका मोबिल है वो पूरा हमने पूरा फुल करा था वो सर्विस के टाइम पे, और वो कांच का जो मोबिल है वो 2,000 से 3,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद कांच का मोबिल डाउन हो जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कांच इसका, इंजन का, और अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर, और हमें टॉप अप करना पड़ रहा है 2,000 से 3,000 किलोमीटर के बीच में,
तो हमें रिंग रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। अगर इस जब हम अपनी बाइक का इंजन खुलवाते हैं, इंजन खुलवाने के बाद बैरल किट में और पिस्टन पे अगर हमें मार्क मिलते हैं तो हम उसको कंप्लीट दोनों पार्ट्स को चेंज कर देंगे। अदरवाइज़ अगर हमें वो मार्क्स नहीं मिलते हैं तो हम रिंग रिप्लेसमेंट करा देंगे। रिंग रिप्लेसमेंट कराने से हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारी गाड़ी लगभग 5000 किलोमीटर तक इंजन ऑयल लेवल लो नहीं होगा, गाड़ी के साइलेंसर में से वाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक किसी भी तरीके का हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं इसकी बात करता हूँ, अगर आप कंप्लीट बैरल किट चेंज कराते हैं मार्केट में या सर्विस सेंटर्स में, आपको एक गाइडलाइन दी जाती है कि आप पूरा बैरल किट और पिस्टन चेंज करा लीजिए, उसमें लगभग अप्रॉक्स आपका 10,000 रुपये का खर्चा बैठेगा। और अगर वहीं आप रिंग रिप्लेसमेंट कराते हैं तो आपका 1,000 रुपये का खर्चा बैठेगा। 480 रुपये के रॉयल एनफील्ड के रिंग आते हैं, दोनों पैकिंग्स अप्रॉक्स 500 रुपये की आपको मिलेंगी। आपका इंजन अपर हेड खुलेगा, रिंग चेंज होंगे, रिंग चेंज होने के बाद न्यू रिंग डल जाएंगे, गाड़ी का कंप्रेशर रेशो जैसे आपका डाउन हो गया है वो दोबारा से अच्छा हो जाएगा, और आप अपनी बाइक का 2,000-3,000 पे जो इंजन ऑयल लेवल कम हो रहा था वो कम नहीं होगा, वो इंजन ऑयल लेवल आपका 5,000 किलोमीटर पे भी कम नहीं होगा। आप 5,000 किलोमीटर आप दोबारा जाके सर्विस करा सकते हैं गाड़ी की। आप कांच में देखें कि उसका मोबिल कम नहीं हो रहा है, गौर से सुनने वाली बात जो है, इसमें आपको कांच में गाड़ी के कंटिन्यूसली देखना होगा 3,000 किलोमीटर के बाद, 4,000 किलोमीटर के बाद। ये एक इन्फॉर्मेशन है अपनी बाइक के इंजन की देखरेख के लिए कि आप 5,000 किलोमीटर तक अगर आपकी बाइक का इंजन ऑयल डाउन नहीं हो रहा है तो आपकी बाइक का इंजन बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखें और क्या कहते हैं, आपका माइलेज भी अच्छा मिलेगा, आपका इंजन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो अब ये देख सकते हैं आप, साइलेंसर में अंदर आपको रस्ट भी दिख जाएगा, गौर से देखेंगे तो कोई, अगर मैं इसे छू रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि अंदर आपको इंटरनल रस्ट दिखेगा, नो इसमें मोबिल आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब मैं इसे छू भी रहा हूँ तो भी मेरे हाथ में आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो इंटरनल आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है आपका। अब अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने इस बाइक का इंजन के जो रिंग रिप्लेसमेंट है वो लास्ट ईयर 2021 के जून में कराए थे, अब 2022 अक्टूबर चल रहा है और इसका लगभग एक साल से ऊपर मेरे को यूज़ करते हुए हो गया है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करा है, 5,000 किलोमीटर में बाइक को चला चुका हूँ, कांच भी चेक कर चुका हूँ और इंजन जो है बहुत हेल्दी कंडीशन में है। अगर मैं इसकी बात करूं इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में, कंप्रेशर के बारे में, तो वो भी बहुत अच्छा है। इंजन का कंप्रेशर परफॉर्मेंस सब कुछ बहुत हेल्दी है। आप अपनी बाइक को एक लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी रखना चाहते हैं तो बहुत सस्ता खर्च है, लगभग 1,000 रुपये में आपका ये मेंटेनेंस हो जाएगा। कंपनी वाले मतलब शोरूम वालों की बात कहूँ या आफ्टर मार्केट शॉप वालों की, वो यही सजेस्ट करेंगे आप पूरा कंप्लीट किट डलवा लीजिए, बट ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन करा है, कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली बाइक है। बहुत सारी चीज़ें इस बाइक की ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हैं।
आपके लिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रॉयल एनफील्ड रिंग रिप्लेसमेंट के लिए। जिनको पूरा बैरल किट और पिस्टन किट रिप्लेसमेंट देख का ब्लॉग देखना है, मैं उसको यहाँ डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, वो भी ब्लॉग आ जाएगा, मगर उसमें आपका 10,000 रुपये खर्चा बैठेगा। इससे आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या रहा रॉयल एनफील्ड रिंग रिप्लेसमेंट का।